Assalamualaikum students, today date is April 4, 2020 और ये आपका class का क्या है और day Saturday है और हमारा आज का topic है generation of computers. Computer is an electronic device which performs processing on data very fast and accurate. Therefore, the improvement of technology also make the new fastest and latest devices accurate devices. So we can divide development of computer into generation period according to invented new technology used in the computer. Computer एक electronic device है जो हमें किसी भी data को बहुत तेजी से हमारे उसके ऊपर अमल करके देता है, मतलब उसके ऊपर process बहुत fast करता है. इसलिए day by day improvements आती रहती हैं और जो latest improvement होती है वो पिछली से इस लिहाज से बेहतर होती है कि वो उससे ज़्यादा fast होगी. इसलिए हम लोग इनको generation कहते हैं क्योंकि एक के बाद एक period के बाद ये जब आती हैं तो इनको हम लोग generation नाम. उसके बाद हमारा first topic है first generation of computer. The vacuum tubes were used as basic electronic component in first generation of computer. जो vacuum सबसे पहले जो हमारे पास generation आई थी computer की उसमें हम लोगों ने vacuum tubes use की थी. First generation में क्या था, vacuum tubes use की गई थी. The computer were made between 1940 to 1956 और ये था 1940 से 1956 के दरमियान में ये generation तैयार की गई थी. Internal memory consist of मैग्नेटिक ड्रम्स इन लिमिट और इसकी इंटरनल मेमोरी जो थी वो थी मैग्नेटिक ड्रम्स के ऊपर बेस करती थी. इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स. इनपुट हम लोग किससे देते थे, पंच कार्ड से देते थे, पेपर टेप एंड आउटपुट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर. जो थी इनपुट हम लोग देते थे पंच कार्ड के थ्रू और जो हमारे पास आउटपुट आती थी वो प्रिंटेड पेपर्स के ऊपर आती थी. दीज कंप्यूटर वर बल्की इन साइज, कॉस्टली, अनरिलायबल एंड हीट जनरेटेड ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब्स. अब इसमें डिफेक्ट हमारे पास क्या था कि ये कंप्यूटर जो थे साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे और इसलिए साइज में बड़े थे हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे और अनरिलायबल थे क्योंकि हम लोग इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे तो वो बहुत जल्दी हीट हो जाता था, उसकी वजह से जो था वो हमारा डाटा लॉस हो जाता था. अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की थी, इसको अंडरलाइन कर लें. और उसके बाद ये किस टाइम में बनाए गए थे, 1940 से 1956 के दरमियान में ये बनाए गए थे. इसके इंटरनल मेमोरी जो थी वो किसके ऊपर बेस करती थी, मैग्नेटिक ड्रम्स के ऊपर. और इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स. इनपुट हम लोग किससे देते थे, पंच कार्ड से देते थे, पेपर टेप एंड आउटपुट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर. जो थी इनपुट हम लोग देते थे पंच कार्ड के थ्रू और जो हमारे पास आउटपुट आती थी वो प्रिंटेड पेपर्स के ऊपर आती थी. दीज कंप्यूटर वर बल्की इन साइज, कॉस्टली, अनरिलायबल एंड हीट जनरेटेड ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब्स. अब इसमें डिफेक्ट हमारे पास क्या था कि ये कंप्यूटर जो थे साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे और इसलिए साइज में बड़े थे हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे और अनरिलायबल थे क्योंकि हम लोग इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे तो वो बहुत जल्दी हीट हो जाता था, उसकी वजह से जो था वो हमारा डाटा लॉस हो जाता था. अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की थी, इसको अंडरलाइन कर लें. और उसके बाद ये किस टाइम में बनाए गए थे, 1940 से 1956 के दरमियान में ये बनाए गए थे. इसके इंटरनल मेमोरी जो थी वो किसके ऊपर बेस करती थी, मैग्नेटिक ड्रम्स के ऊपर. और इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड. इनपुट हम किससे देते थे, पंच कार्ड के देते थे और हमारे पास आउटपुट जो आती थी वो प्रिंटेड पेपर्स के ऊपर आती थी. द कंप्यूटर और इसका साइड इफेक्ट क्या था, कंप्यूटर वार बल्कि इन साइज, कॉस्टली थे, अनरिलायबल थे, किसकी वजह से, वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से. अब नीचे ये आप लोगों के पास तीन एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसमें से आप लोगों ने कोई सी दो कर लेनी है, ठीक है. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. द मेजर इन्वेंशन ऑफ सेकेंड जनरेशन वाज ट्रांजिस्टर, यूज एज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रिप्लेस्ड विद वैक्यूम ट्यूब्स. अब फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने यूज़ किया था वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था. अब सेकेंड जनरेशन जो थी उससे ज़ाहिर है लेटेस्ट आनी थी, उसमें हम लोगों ने क्या यूज़ किया, ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर. दीज कंप्यूटर वर मेड बिटवीन 1956 टू 1963. अब ये कंप्यूटर्स कब हमारे पास आए थे, 1956 से 1963 के दरमियान में. ट्रांजिस्टर वर वेरी स्मॉल, फास्टर एंड मोर रिलायबल एंड प्रोड्यूस लेस हीट ड्यूरिंग ऑपरेशन. अब ट्रांजिस्टर्स क्या थे, बहुत स्मॉल थे और बहुत तेज थे, मोर रिलायबल थे एंड प्रोड्यूस लेस हीट और थोड़े बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते थे ऑपरेशन के दरमियान में, जब मतलब ऑपरेशन मतलब जब हम उनके ऊपर काम कर रहे होते थे. मैग्नेटिक
कोर मेमोरी यूज एज इंटरनल स्टोरेज. अब इंटरनल स्टोरेज के तौर पे हम लोग इसमें क्या यूज़ करें, मैग्नेटिक कोर हम इसमें यूज़ करें. मैग्नेटिक टेप वर यूज फॉर स्टोरेज पर्पज इन, और मैग्नेटिक टेप हम लोग यूज़ करें स्टोरेज पर्पज के तौर पर. मैग्नेटिक कोर हम यूज़ करें इंटरनल स्टोरेज के तौर पर, और मैग्नेटिक टेप हम यूज़ करें स्टोरेज पर्पज के तौर पर. इनपुट वाज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक टेप, हमारे पास बेस करती थी. अब पहले हमारे पास एक चीज़ थी पंच कार्ड, अब हमारे पास क्या हो गया, दो चीज़ आ गई. मैग्नेटिक टेप भी हम यूज़ करें इनपुट के लिए और पंच कार्ड भी यूज़ करें. एंड इनपुट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर और आउटपुट, और एंड आउटपुट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर, और हमारे पास आउटपुट किस चीज़ के ऊपर आ रही है, पेपर के ऊपर प्रिंट होकर आ रही है. दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज मोर रिलायबल, अब पिछली जो थी वो हमारे पास रिलायबल नहीं थी. अब ये सेकेंड जनरेशन है तो हमारे पास क्या है, ये रिलायबल है, स्मॉलर है. मतलब पहली वाली तो बहुत ज़्यादा साइज में बड़ी थी ना, अब ये क्या हो गई है, साइज में भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गई है. फास्टर है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, एंड लेस हीट जनरेटर देन फर्स्ट जनरेशन. और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में क्या करिए, बहुत कम हीट प्रोड्यूस करिए. अब सेकेंड जनरेशन में हम लोग क्या यूज़ करें, ट्रांजिस्टर यूज़ करें, इसको अंडरलाइन कर लें. किसकी जगह पे यूज़ करें, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर. और हमारे पास ये टाइम पीरियड कब आया, 1956 से 1963 के दरमियान में, इसको भी अंडरलाइन कर लें. अब ट्रांजिस्टर्स क्या है, वेरी स्मॉल है, फास्टर है, एंड मोर रिलायबल है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस लेस हीट है. और क्या करें, हीट बहुत कम प्रोड्यूस करें. इसमें हम लोग क्या यूज़ करें, मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज एज इंटरनल स्टोरेज. इंटरनल स्टोरेज के तौर पर हम लोग क्या यूज़ करें, मैग्नेटिक कोर. अब इसको अंडरलाइन कर लें. नेक्स्ट आप लोग अंडरलाइन करना है, मैग्नेटिक टेप वर यूज फॉर स्टोरेज पर्पज. अब मैग्नेटिक टेप जो है वो आप लोग किस लिए यूज़ करें, स्टोरेज पर्पज के तौर पर यूज़ करें. इनपुट वॉज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक टेप. अब इनपुट किसके ऊपर बेस करिए, मैग्नेटिक टेप के ऊपर बेस करिए, पंच कार्ड के ऊपर बेस करिए, इसको भी अंडरलाइन कर लें. और आउटपुट किस चीज़ के ऊपर बेस करिए, प्रिंटेड होकर आ रही है हमारे पास पेपर के ऊपर. अब इसका बेनिफिट है, ये दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज मोर रिलायबल, अब ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, स्मॉलर है, फास्टर है, लेस हीट प्रोड्यूसर है फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में. अब इसके बाद हमारे पास इस कंप्यूटर ये एग्जांपल्स आ गई हैं, इसमें से आपने कोई सी दो कर लिया. IBM 700 सीरीज है इसमें, और IBM है 1400 सीरीज, और GE है 200 और GE 635. इसमें से आप लोगों ने कोई सी दो एग्जांपल्स कर लेनी है. ओके, अल्लाह हाफिज़. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई मसला हो या कुछ बात समझ नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगी. अगर नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी 1:30 तक मेरा टाइम होता है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स करूँगी. ओके, अल्लाह हाफिज़.